नमस्कार, कृषि मंथन में आप सभी का स्वागत है। ये खबर भारत का विशेष प्रोग्राम है जिसमें हर बार हम किसानों की कभी समस्याओं पर चर्चा करते हैं, कभी उनके मुद्दों को उठाते हैं, कभी किसी विषय पर विशेषज्ञ से सलाह लेते हैं। देखा जाए तो किसानों की हमेशा ये शिकायत रहती है कि मौसम की मार और नई तकनीकों की जानकारी ना होने से उन्हें खेती किसानी में काफी नुकसान उठाना पड़ता है। तो मौसम के अनुरूप कैसे की जाए खेती, खेतों की खुशहाली के लिए क्या उपाय अपनाए जाएं, ऐसे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में विशेष रूप से मौजूद है कृषि विशेषज्ञ संजीव प्रकाश श्रीवास्तव जी, जो कि HOD हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं SRK यानी सर्वपल्ली राधाकृष्ण यूनिवर्सिटी से। तो हम बात करेंगे खास तौर से आज जो विषय है, हमने जिसका चयन किया है रबी की फसल, लेकिन उसके साथ और भी बहुत सारे सवाल होंगे। अब अगर रबी की फसल की बात की जाए तो सामान्यतः अक्टूबर नवंबर के महीनों में बोई जाती है और इन फसलों की बुआई के समय कम तापमान और पकते समय खुश्क और गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर गेहूं, जौ, आलू, चना, मसूर, अलसी, मटर, सरसों रबी की प्रमुख फसलें मानी जाती हैं। तो दरअसल इन फसलों की कैसे देखभाल की जाए, किस तरह से कौन से उपाय अपनाए जाए ताकि अधिक लाभ मिले, तो इस सवाल का जवाब मैं सीधे लेती हूँ संजीव जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कृषि मंथन में। और जैसा कि मैंने सवाल किया दर्शकों को बताया कि रबी की फसल से हम शुरुआत करते हैं, तो किस तरह से देखभाल की जानी चाहिए? किसान भाइयों, आपको मेरा सादर नमस्कार। ये रबी का सीजन हमारे यहाँ इस समय चल रहा है और इस सीजन में जैसा क्रांति जी ने बताया कि कम तापमान में लगने वाली जो फसलें हैं उनका उपयोग हम करते हैं। और जहाँ तक हमारे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का सवाल है, तो यहाँ सबसे ज्यादा जो हमारे यहाँ यूज होने वाली, उपयोग में आने वाली फसल है वो गेहूं है। और गेहूं का जो स्थान है वो अनाज में नंबर दो आता है, क्योंकि नंबर एक पे धान है, चावल जिसे हम बोलते हैं। और उत्पादन की दृष्टि से जहाँ तक अनाज का सवाल है, जो लोगों के खाने में सबसे ज्यादा शामिल है, उसमें नंबर दो पे गेहूं का नंबर आता है। और हमारे बहुत सारे किसान भाई, हमारे क्षेत्र के किसान भाई इस समय गेहूं की खेती में लगे हुए। जी बिल्कुल। तो हाँ जी बिल्कुल, जहाँ तक गेहूं का सवाल है, वो सबसे ज्यादा हमारे क्षेत्र में लगाया जा रहा है। किसानों को सरकार भी काफी सपोर्ट करती है गेहूं को परचेस करने में, लगाने में, बीजों को उपलब्धता और फर्टिलाइजर जो है उनको उपलब्ध हो जाए, इसके लिए सरकार का भी प्रयास रहता है। कुछ परेशानियां इस दौरान आती हैं, क्योंकि काफी क्षेत्रों में एक साथ जब बुआई होती है तो डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं ना कहीं शिकायतें का मौका जो है वो हो जाता है, क्योंकि काफी बड़े क्षेत्र में गेहूं का फसल जो है हमारे क्षेत्र में ली जाती है। बिल्कुल। अब अगर मैं पूछूं कुछ सावधानियों की, क्योंकि आपने जो बताया कि धान के बाद गेहूं प्रमुख फसल मानी जाती है और ये वक्त रबी की फसल गेहूं, यानी अभी ये मौका ही चल रहा है, समय चल रहा है, तो किस तरह से जरूरी सावधानियां रखनी चाहिए जिसकी अनदेखी बहुत सारे लोग तो नहीं, लेकिन अगर कम लोग भी कर रहे हैं तो वो तुरंत सावधान सचेत हो जाएं। देखिए, जहाँ तक खेती का सवाल है, इसके अंदर कोई सी भी गलती जो है वो नुकसान तो करती है। किसान का तो नुकसान करती है, साथ में हमारे देश का, प्रदेश का और सम्मान का, सभी चीजों का नुकसान होता है। तो खेती को थोड़ा सा सीरियस तो लेना चाहिए, नहीं तो ये हमारे काफी नुकसान का सौदा साबित होती है। जहाँ तक गेहूं का सवाल है, गेहूं में भी जो है सबसे ज्यादा जो ध्यान रखने वाली बातें हैं जिसकी वजह से हम आगे होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं, उसमें मुख्य रूप से तो ये है कि हम बीज का जो है उपचार करें, बीजोपचार करें, और राइजोबियम और ये जो टाइकोडर्मा वगैरह है इनका बराबर उपयोग करें। तो इससे क्या है कि आने वाली जो नुकसान हमें कीड़े या बीमारियों के द्वारा हो सकते हैं उनका बचाव हम कर सकते हैं बीजोपचार करने के द्वारा। बिल्कुल। आपने अभी बीमारियों और उपचार की जो बात कर रहे थे, किस तरह की बीमारी ज्यादातर देखने को मिलती है और किस तरह से उसकी सुरक्षा की जा सकेगी, देखभाल कैसे की जा सकेगी? देखिए, गेहूं में काफी जो बीमारियां आती हैं, जैसे स्मट है, रस्ट है, और कीड़ों में भी आप देखें तो जड़ माहू एफिड का भी काफी इस समय असर जो है फसल में देखने को मिलता है। तो इन चीजों को अपन को कंट्रोल करना पड़ता है, और इनका अगर अपन ने अवॉइड किया या ज्यादा दिनों तक इसकी मॉनिटरिंग हमारे किसान भाई नहीं कर पाए, तो ये काफी अधिक मात्रा में फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल सही। तो कोशिश करें कि हमारी मॉनिटरिंग रहे और शुरुआत से ही बीजोपचार करके हम इसको बचा सकते हैं। अच्छे बीजों का उपयोग करें, अच्छी किस्म के बीजों का उपयोग करें, और
ये आपने बहुत खूबसूरत बात कही है कि अच्छे बीजों का उपयोग करें। अब अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि उन्नत बीज का चयन कैसे किया जाए, कैसे तय करें कि यही बीज हमारी खेती के लिए ज्यादा अच्छे होंगे, फायदेमंद भी होंगे, तो वो कैसे चयन प्रक्रिया होनी चाहिए उसकी? देखिए, चयन प्रक्रिया तो बहुत समय से हमारे किसान भाई अपनाते आ रहे हैं। बिल्कुल, अपने खेतों में भी जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, आपने जो पिछले साल खेती करी है उसमें से भी कुछ अच्छे गेहूं को छांट के हमारे किसान भाई रख लेते हैं और उनका उपयोग आने वाली फसलों में करते हैं। तो ये तो एक बहुत पुरानी चले आने वाली परंपरा है कि वो अच्छे फसल का या अच्छे दानों को पहले से सिलेक्ट कर लेते हैं, चयन कर लेते हैं और उनका उपयोग करते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों को नजदीकी जो अपने ग्राम सेवक हैं, इसके अलावा एग्रीकल्चर कृषि की यूनिवर्सिटीज हैं, यहाँ बहुत सारे वैज्ञानिक हमारे हैं, तो किसानों के लिए कुछ ना कुछ अच्छी बातें बताते रहते हैं और उनको लिए सामान भी उपलब्ध कराते हैं। तो कृषि यूनिवर्सिटी से संबंधित बहुत सारे केवीके हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जहाँ से भी काफी अच्छी जानकारियों के साथ बीज बीज जो है इनके बारे में आपको जानकारी मिल सकती है और अच्छे बीज भी आपको वहाँ से मिल सकते हैं। बिल्कुल, मतलब उनके नजदीक जो भी वैज्ञानिक अगर हैं तो वो जानकारी जरूर लेते रहे, जानकारी भी देते हैं और उपलब्धता भी हमारे कृषि विश्वविद्यालय में और केवीके में और गवर्नमेंट के बहुत सारे जो बीज निगम मंडल वगैरह है वहाँ से आपको अच्छे बीजों की उपलब्धता रहती है। तो अगर आप टच में रहें और लेते रहें तो इसका फायदा आप लोग अपने खेती में ले सकते हैं। बिल्कुल, और हम तो आपकी मदद करते ही रहेंगे, हर बार विशेषज्ञ खबर भारत के इस खास प्रोग्राम में आते रहेंगे और आपके तमाम सवालों के जवाब देते रहेंगे। जी, जी। संजीव जी, जिस तरह से परंपरागत खेती से हटकर अब आजकल आधुनिक खेती की तरफ रुझान बढ़ गया लोगों का, लेकिन अभी भी जानकारी का कुछ अभाव है, तो क्या है ये यूनिक फार्मिंग, इसके बारे में हम चाहूंगे कि अच्छे से विस्तार से जरूर आप बताइए। देखिए, ये जो हमारे किसान हैं, अच्छे किसान हैं और हमारे जो डिपार्टमेंट हैं, जैसे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, हमारे बीएससी एजी हैं, एमएससी एजी हैं, काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं और खेती को आगे बढ़ाना भी चाहते हैं। तो ऐसे ही किसानों को ऐसे को चूज़ करा है, इन्होंने सेलेक्ट किया है, चयन किया है और हमारे जो कर्मचारी भाई हैं, जो एसएडीओ हैं, आरईओ हैं, फील्ड स्तर पे काफ़ी दूर है, इन्होंने इनको काफ़ी सहायता दी है और इनको नई जो चीज़ें हैं जो पहले हमारे आसपास नहीं होती थी उन चीज़ों को भी इनको मतलब विजिट कराया है। हमारे हॉर्टिकल्चर में जो डिपार्टमेंट है वो लोग इनको विजिट भी कराते हैं, दूसरे स्टेट में, दूसरे शहरों में ले जाते हैं, अच्छी खेती इससे इनको प्रदर्शन स्थल पे ले जाते हैं और उसका फायदा आज हम अगर देखें हमारे मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में स्पेशली, जैसे आज हम भोपाल में बैठे हैं, भोपाल में भी आज हमें सारी चीजें उपलब्ध हो गई हैं। जो चीजें पहले हम बाहर से आयात करते थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे, आज बहुत सारे फल जैसे हम देखें, ऐसे अभी है नाशपाती है, चेरी है, पपीता है, ये सब चीजें आज हमारे भोपाल में काफी बहुत आयत में हो गई हैं और हम बहुत कम बाहर से मंगाते हैं, जरूरत होने पे मंगाते हैं, नहीं तो पहले ये सब चीजें बाहर से आती थी। सब्जियों में भी देखें हम तो काफी सारी सब्जियां जो पहले यहाँ नहीं होती थी लेकिन आज हमारे जो किसान हैं वो यहाँ भोपाल में इसके लोकल में उपलब्धता प्रदान कर रहे हैं और सब चीजें हमें भोपाल में उपलब्ध होने लगी है। अच्छा, इन चीजों को उपलब्ध कराने से हमारे किसान भाइयों में सेटिस्फेक्शन तो आता है, संतुष्टि आती है और साथ में उनकी इनकम भी बढ़ती है। आम जो किसान है या जिस तरीके से वो खेती करते हैं उन लोगों से थोड़ा अलग हटके अगर ये कुछ प्रयास करते हैं और इसमें सक्सेस हुए हैं हमारे यहाँ के किसान, प्रयास करने वाले जो है वो कभी हारते नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो इन लोगों ने आज हमारे भोपाल और आसपास जो है काफी चीजें जो हम बाहर से मंगाते थे या बाहर आश्रित रहते थे आज वो हमारे यहाँ उपलब्ध हो गई हैं और इन चीजों को जो उपलब्ध करा रहे हैं इसको यूनिक फार्मिंग के नाम पे जानते हैं और इसमें इनकी इनकम और कमाई भी अच्छी हुई है। बिल्कुल, यूनिक फार्मिंग की जब आप बता रहे हैं, किसानों के लिए तो फायदेमंद है ही जी, क्या ये आम जन को भी फायदा पहुंचाएगी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से? अगर ये सवाल रखूं तो देखिए, जब सारी चीजें आपको उपलब्ध होती है, अब जैसे मैं आपको बताऊं कि कई लोग हमारे क्षेत्र में आजकल गेहूं की रोटी कम खाना पसंद करते हैं या गेहूं की वजह से कुछ बीमारियां हैं तो डॉक्टर भी कुछ लोग ऐसे गेहूं को रोटी खाने को कम बोलने लगे, दूसरे फॉर्म में खाते हैं। तो जो दूसरे अनाज हैं उनकी उपलब्धता, जैसे रागी है, आज रागी का आटा हमें भोपाल में मिल रहा है या रागी हमें उपलब्ध है, ये एक बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल भाई, इससे लोगों को बीमारी से भी कुछ निजात मिलती है या सपोर्ट मिलता है कि उनको जो दूसरे अल्टरनेट्स हैं वो गेहूं के अलावा दूसरी रोटियां भी खा सकते हैं।
ज्वार बाजरा है, मक्का है, इनका भी आज भोपाल में आपको उपलब्धता बढ़ी है। और भी कई आइटम्स हैं जिनको डॉक्टर बताता है, लेकिन अगर भोपाल में उपलब्ध होती है तो ऐसे मरीजों को या ऐसे पसंद करने वाले लोगों को उपलब्धता होने पर संतुष्टि भी होती है, खुशी भी होती है, और साथ में जो लोग इनको देते हैं उनको धन्यवाद भी देते हैं अच्छी इनकम के साथ साथ। बिल्कुल, तो एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है ये। बिल्कुल, यानी कृषक को तो फायदा हो ही रहा है, हमारे किसान भाइयों को, और हम लोगों को भी बहुत सारे विकल्प मिल रहे हैं। सभी, जी, सभी बिल्कुल, को फायदा हो रहा है। बिल्कुल सही बात। यूनिक फार्मिंग के बारे में जो आपने जानकारी दी, अगर मैं इससे जुड़ा हुआ, खेतों से ही जुड़ा हुआ एक सवाल है जो अक्सर मन में उठता है कि खेतों की मेड़ों का भी उपयोग हो सकता है क्या? देखिए, जिस तरीके से आबादी हमारी बढ़ रही है, हाँ, खेती हमारी सिकुड़ती जा रही है, छोटी होती जा रही है, खेती का जोध भी कम होता जा रहा है, हाँ, तो इतनी बड़ी आबादी को जब हम भोजन का व्यवस्था करते हैं तो ये सारी जवाबदारी हमारे किसान भाइयों के ऊपर है और उनके खेतों के ऊपर है। तो जिस तरीके से हम फैक्ट्री चलाते हैं, जिस तरीके से हम दूसरे और बिजनेस चलाते हैं, इसी तरीके से हमें खेती किसानी को भी लेना पड़ रहा है। एज ए प्रोफेशनल जब हम बात करते हैं तो एक एक इंच जमीन जो है वो बड़ी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है, और जहाँ एक एक बीज गिरता है जो एक बड़ा पेड़ बनता है, और उससे फायदा तो होता ही है आपकी इनकम के साथ साथ लोगों को हमारी जो जवाबदारी है कि हम भोजन का व्यवस्था करेंगे वो पूरी करने में मदद मिलती है। तो इसी में अगर हम ज्यादा मेड़बंदी में अगर जमीन का नुकसान करते हैं तो जोत हमारी छोटी हो जाती है। बिल्कुल, जोत छोटी होने से निश्चित रूप से आपके उत्पादन पे भी उसका असर पड़ता है, देश के उत्पादन पे भी असर पड़ता है, और कहीं ना कहीं ये आपको नुकसान पहुंचा देती है। तो कोशिश करना चाहिए कि मेड़ हमारी कम से कम हो, मेड़ ना के बराबर हो, और उसका उपयोग उस जमीन का हम बराबर कर सकें, और मेड़ है तो उसके ऊपर भी हम कुछ लगा सकते हैं। दूसरा ये है कि मेड़ होने से उसकी सफाई की व्यवस्था भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मेड़ों पे क्या होता है कि खेत में जो आपके लार्वा प्यूपा जो हैं, हाँ, वो वहाँ बसे रहते हैं और वो उनकी अगली पीढ़ी जो है फिर नुकसान पहुँचाने के लिए उपलब्ध हो जाती है। तो अगर हमने मेड़ की सफाई नहीं की है तो जो पुरानी फसल के अवशेष हैं तो साथ साथ उसमें जो अंडे लार्वा प्यूपा हैं वो भी वहाँ पे जीवित अवस्था में रहते हैं, तो वो आगे चल के नुकसान पहुँचा देते हैं। तो खेत की सफाई भी जरूरी है, इसके लिए ये जरूरी है कि हम खेत की मेड़ का जो है बराबर उपयोग करें और उस पर कुछ ना कुछ लगाते रहें, जिससे सफाई भी होती रहे। और दरअसल मैं आपसे पूछने ही वाली थी कि उधर क्या लगाया जा सकता है, तो वो कुछ ना कुछ का जवाब क्या होगा? अब कुछ ना कुछ ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि फसल, जैसे मैं आपको बताऊं कि मैंने अपने इलाके में काफी क्षेत्र में देखा है, खासतौर से इधर नरसिंहपुर गाडावारा की तरफ, यहाँ पे अभी जैसे अपन धान की फसल लेते हैं तो मेड़ पे ये लोग अरहर ले लेते हैं। अच्छा, मेड़ पे अरहर ले लेते हैं और ये अच्छी है, मतलब लगभग 150 दिन की फसल है, 150 दिन से ज्यादा की फसल है, तो ये अभी भी चलती रहती है। धान के बाद भी जो है इसका वो है, इसमें दवाइयां भी अपन डालते हैं और इसको भरपूर खेती के रूप में लेते हैं। तो ये साथ में गेहूं, जैसे धान कटने के बाद वहाँ दूसरी फसल चना या गेहूं किसान ले लेते हैं, लेकिन ये जो है 150 180 दिन की फसल होने के कारण आपकी अरहर जो है ये रबी में भी कंटिन्यू रहती है काफी समय तक। बिल्कुल, तो ऐसी जी, क्योंकि हम खेतों खलिहानों की बात कर रहे हैं, कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जो दोनों के स्वास्थ्य से जुड़े होते हैं। फसलों के स्वास्थ्य के लिए कीटनाशक दवाओं का उपयोग किया जाता है, लेकिन लोगों के स्वास्थ्य को बरकरार रखने के लिए कौन से कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, ये सवाल जरूर उठता है। तो वो कौन सा छिड़काव होता है जो खेतों के लिए तो लाभप्रद है और हमारे लिए, अगर समानांतर रूप से हम देखा जाए तो हमारे लिए नुकसानदायक भी नहीं है? देखिए, ये एक बड़ा क्वेश्चन है जो काफी दिनों से चर्चा में है, हाँ, कि हमारे यहाँ पेस्टिसाइड का उपयोग काफी बड़ा है, हाँ, खासतौर से पंजाब हरियाणा जहाँ काफी अच्छी फसल ली जाती थी, आज इस वजह से पीछे भी है जी। उन्होंने बहुत अधिक मात्रा में पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स का उपयोग किया है, हाँ, हालांकि कृषि क्रांति में योगदान भी माना जा सकता है कि उत्पादन में वो बीच में काफी आगे रहे, आज जरूर उनका उत्पादन स्तर कुछ घटता दिख रहा है, कुछ कम होता नजर आ रहा है, और साथ में जो वायुमंडल है हमारा, जो एटमॉस्फेयर है, वो भी प्रदूषित तो हुआ है, हाँ, तो ये चर्चा काफी दिनों से चल रही है, हाँ, यहाँ पे भी ज्यादा उत्पादन लिया गया तो वहाँ पे खाद की और दवाइयों का उपयोग जो है वो किसानों में ज्यादा बढ़ा है, और उसके बढ़ने की वजह से प्रदूषण जो है वो हमारे क्षेत्र में फैला है, और उस प्रदूषित वातावरण की वजह से कुछ बीमारियां भी नई इंट्रोड्यूस हुई हैं, जिनमें जो लोग नहीं है या मेहनत करने वाले लोग हैं वो भी उससे प्रभावित हुए हैं।
जनरली आपने पुराने जमाने में देखा होगा जो पैदल चलते हैं या मेहनत करते हैं उनको बीमारियां ना के बराबर ज्यादा स्वस्थ होते हैं, ज्यादा स्वस्थ होते हैं। लेकिन अब से ये पेस्टिसाइड का या खादों का उपयोग बढ़ा है तो सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले भी जो है इसमें प्रभावित होने लगे हैं और आजकल बीमारियों के अंतर्गत वो आने लगे हैं, तो उनको भी नुकसान होता है, शरीर का भी, पैसे का भी, अनावश्यक रूप से। जी, तो क्या इसके लिए हमें संतुलित रूप से जो नंबर एक तो हमें इसका उपयोग जितना आवश्यक हो उतना ही करना चाहिए, मॉनिटरिंग हमें खेत की बराबर करता रहना चाहिए, और अगर उपयोगी है कि हमको पेस्टिसाइड डालना है तभी हम उसका उपयोग करें तो ज्यादा अच्छा है। दूसरा, खाद का भी हम उतना ही उपयोग करें जैसे कि हम पहले उसका टेस्ट करा लें, सॉइल टेस्टिंग, और जो रिक्वायरमेंट है हमारे सॉइल की उसके आधार पे ही हम अगर फर्टिलाइजर डोज को निर्धारित रूप में दें तो ज्यादा अच्छा है। अतिरिक्त या एक्सेस मात्रा जो है वो आपको आर्थिक रूप से भी नुकसान पहुंचाती है और प्रदूषण एवं वातावरण को भी दूषित कर देती है। बिल्कुल, तो अगर मैं आपसे यही सवाल करूँ कि फिर उसका ड्यूरेशन यानी उसका अंतराल क्या होना चाहिए, कितनी बार, क्या हर दिन पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाना जरूरी है, खाद डालनी जरूरी है? मतलब खाद का तो खैर अलग ड्यूरेशन होता है, तो कब कब डालना चाहिए, कितना अंतराल रखना जरूरी होता है? अंतराल तो अपनी जगह ठीक है लेकिन सबसे पहली बात है मॉनिटरिंग। अच्छा, मॉनिटरिंग जब हम करते हैं तो हमको पता चलता है कि कौन से कीड़े, जैसे एफिड की मात्रा अगर आपको अधिक दिखने लगी है तो उसके लिए आपको यूज करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही, अगर आपको ज्यादा एफिड की मात्रा दिख रही है, कम है या तो मौसम की है या पानी के हिसाब से ठीक हो जाते हैं, कम पानी देने से ठीक हो जाते हैं। कुछ देसी तरीके हैं हमारे किसान भाइयों के, कुछ देसी खादें हैं जिनको हम जैविक भी कहते हैं, उनके उपयोग से भी काफी कुछ कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस तरीके का एक IPM जिसको हम बोलते हैं, जिसमें हम संतुलित उपयोग सभी चीजों का करते हैं, जरूरत पड़ने पे पेस्टिसाइड का भी कर सकते हैं, बायो फर्टिलाइजर का भी कर सकते हैं, देसी जो तरीके हैं उनका भी कर सकते हैं, तो ऐसे तरीकों का उपयोग करके भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, बिल्कुल, जैसे कपास, कपास के खेत में सबसे ज्यादा इल्लियों का प्रकोप होता रहा है। आजकल तो खैर हम बीटी काटन ले आए हैं तो अब काफी कम हो गया है, लेकिन इसका एक तरीका रहता है कि अगर हम काटन के खेत के चारों तरफ भिंडी लगा दें तो काटन से ज्यादा जो टेस्टी होता है कि हमारे इंसेक्ट्स के लिए, वो भिंडी ज्यादा टेस्टी होती है, तो वो वहां से जितने भी इंसेक्ट हैं या इल्लियां हैं वो वहां से ट्रांसफर होकर भिंडी के खेत की तरफ आ जाएंगे। तो बिना पेस्टिसाइड यूज करे हुए भी आप अपने कपास को बचा सकते हैं और पर्यावरण को भी दूषित होने से बचा सकते हैं। तो क्या वो जो भिंडी है फिर उसका इस्तेमाल तो नहीं किया जाएगा? ठीक है, जितनी उपयोग में आ जाए ठीक है, जो नष्ट हो जाए वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपन ने लगाया ही इसीलिए है कि वहां से इंसेक्ट्स को वहां अपन स्थानांतरित हो जाए, तो वो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल सही, इस वक्त जो किसान भाई हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे वो जरूर रुचि लेकर इसको सुन भी रहे होंगे, आपकी कुछ बातों को उन्होंने लिखवा लिया होगा अपने बच्चों के थ्रू, या वो ध्यान से उस बात को दिमाग में बिठा रहे होंगे, क्योंकि किसान भाइयों की याददाश्त बड़ी तेज होती है। नहीं, ऐसे तरीके हैं जिसे हम कर सकते हैं, जैसे आप एक गुड़ का घोल बना लें। हाँ ठीक है, और गुड़ के घोल को भी अगर आप जैसे चने वने के खेत हैं यहाँ इल्लियों के प्रकोप ज्यादा है और जनरली आप देसी तरीके बता रहे हैं, तो आप गुड़ के घोल को बाल्टी में घोल के अगर वहाँ फेंकते हैं तो वहाँ चींटे बड़े बड़े पैदा हो जाते हैं, और ये चींटे जो है ये इल्लियों को पकड़ के ले जाते हैं खेत से बाहर, और या इल्लियां अपने आप ही खेत से बाहर हो जाती हैं चींटों को देख करके। तो ये भी बड़ा इजी तरीका है कि कोई सड़ा हुआ बेकार अगर आपके पास ऐसे गोबर वो गुड़ जो होता है वो मिल जाता है, कई बार बारिश के मौसम में गुड़ गुड़ खराब हो जाते हैं, तो आप इनको अगर सीधे जैसे अपन अपने सामने खेत बगीचे में पानी फेरते हैं ना, अपन डालते हैं हाथ से मग्गे से, अगर आप इस तरीके से सिंपल भी गुड़ का घोल फेंक देते हैं तो चींटे ऑटोमेटिकली हो जाते हैं जी। और काफी कुछ आपकी जो इल्लियों की समस्या है उनको कंट्रोल कर देते हैं, अगर ज्यादा आपकी मॉनिटरिंग के हिसाब से नहीं है तो ऐसे छोटे उपयोग आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप पेस्टिसाइड का ही उपयोग करें, लेकिन आवश्यक लेकिन आवश्यक होने पे अगर आपके मॉनिटरिंग में आप देख रहे हैं कि जरूरत से ज्यादा है और अब हमें पेस्टिसाइड का उपयोग करना पड़ेगा तभी आप पेस्टिसाइड का प्रयोग करें तो ज्यादा अच्छा है। क्या कम वक्त में अच्छा खलिहान पाने के लिए भी कुछ उपाय अपनाए जा सकते हैं या नहीं, उसे प्राकृतिक रूप से ही समय देना होगा? नहीं, खलिहान के रूप में आप क्या पूछना चाहती हैं, एक बार थोड़ा सा मतलब जैसे कि समय कई बार ये सुनने में आता है क्योंकि ये दर्शक किसान भाइयों हमारे किसान भाई तो देख ही रहे हैं प्रोग्राम, अन्य दर्शक भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो कई बार ये मन में आता है सवाल, अगर आप इसको ये कहें कि मैं ये सवाल रखना चाहती तो बिल्कुल सही है कि कई बार फसल को जल्दी पकाने के लिए कुछ उपाय अपनाए जाते हैं, कितना सही होगा कितना गलत है या क्या किया जाना चाहिए?
देखिए इसमें गलत तो मैं इसको नहीं मानता हूँ, हाँ बाकी प्रकृति से खिलवाड़ करना और उसके अगेंस्ट जाना है तो नुकसानकारी, लेकिन जब हम प्रोफेशनलिज्म में आते हैं, थोड़ा सा हम व्यावसायिक रूप से इसको अपनाते हैं, हाँ तो उन लोग इसको आजकल मतलब जल्दी लाने लगे हैं और बहुत से तरीके हैं जैसे हम लोग अब यूज करने लगे हैं, तो इसमें मौसम के हिसाब से आपका जो ग्रीन हाउस है, पॉली हाउस है, उसमें इस तरीके का एटमॉस्फेयर भी क्रिएट कर देते हैं कि उनको हाँ जल्दी हम ला के बाजार में भेज सकते हैं। तो ये चीज़ें जो मार्केट में आ गई हैं, जिसको हम अनुसंधान के द्वारा यहाँ लाए हैं, किसानों को इसकी उपलब्धता है, तो इसका उपयोग करना बुरा भी नहीं है। बाकी ये जो चलन है वो बिकने वाले आइटम्स में है, सब्जियों में ज़्यादा है, और अनाज वनाज में तो अभी इतना इसका चलन देखने में नहीं आया है। फिर भी अगर अपन इस तरीके के अनुसंधान से आधारित जो उपलब्धताएं हैं हमारे पास, जो वैज्ञानिकों ने हमें प्रदाय की हैं, प्रोवाइड करी हैं, तो इनका उपयोग करना अच्छी बात है। जी, बतौर विशेषज्ञ आप क्या सलाह देना चाहेंगे किसान भाई को, इस वक्त जो फसल उन्होंने बोई है, हम इसकी रबी की फसल की बात कर रहे हैं, और इस वक्त चूंकि ठंड का समय चल रहा है और आने वाले समय में और तेज ठंड होने वाली है, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मौसम को ध्यान में रखते हुए? देखिए मौसम में अभी काफी दिनों से बादल हैं, और बादल की वजह से वैसे मावठा तो कई जगह पे गिरा है, लेकिन काफी जगह पे नहीं गिरा है। हाँ, और बादल होने की स्थिति में क्या रहता है कि कीड़ों का प्रकोप हमारे खेत में बढ़ जाता है। हाँ, तो इन कीड़ों के प्रकोप को देखते हुए आपको मॉनिटरिंग बढ़ाना है और जरूरत पड़ने पे दवाइयों का उपयोग करना है। हाँ, सबसे ज़्यादा इस समय जो खेत में हमारे यहाँ है वो गेहूँ, गेहूँ के अलावा चना और सब्जियों की भी काफ़ी वेराइटी इस समय हमारे खेतों में उपलब्ध है। हाँ, तो उसमें अगर इल्लियों का प्रकोप होता है या कीड़ों का प्रकोप होता है तो नुकसान होने की संभावना है। तो इस समय आप मॉनिटरिंग जो है ज्यादा करें और जरूरत पड़ने पे आप पेस्टिसाइड का उपयोग करें। बिल्कुल। और जहाँ तक गेहूं का सवाल है तो हाँ, इसके अंदर भी 1.5 से 2 महीने बाद जिन लोगों ने लगा लिया है, ठीक है, तो इसमें वीडिंग करें। वीडिंग करने से काफी अच्छे टिलरिंग होती है और उपज आपको अच्छी प्राप्त होती है, तो इसको नजरअंदाज ना करें। हाँ, बिल्कुल, टाइम पे बोनी करें, इस समय सही तापमान चल रहा है। हाँ, अगर जिनके यहाँ बोनी नहीं हो पाई है, लेट है किसी कारणवश, खासतौर से धान के क्षेत्र में, हाँ, तो अभी जो है टेम्परेचर है वो गेहूं के बोने के लिए उत्तम है। क्या फसलों के संरक्षण को लेकर भी कुछ बातें ध्यान में रखी जानी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, अगर ऐसा है तो हाँ, सवाल ही नहीं उठता कि हम सबसे ज्यादा तो उसके प्लांट प्रोटेक्शन की बात करें, क्योंकि हाँ, तो हमारी जो मेहनत है, हमने जो लगाया है, अगर वो बिल्कुल, भरपूर रूप से हमें नहीं मिलता तो ये नुकसान में आता है। और प्लांट प्रोटेक्शन जो है ये हमको बचत कराता है, फायदा कराता है कि हम नुकसान को कम कर सकें, उसको बचा सकें। तो प्लांट प्रोटेक्शन में मैंने आपको जैसे पहले बताया कि सबसे हाँ, पहले तो आप जो सॉइल टेस्टिंग करें और हाँ, आवश्यक जो जरूरी आपके पास खाद है उसी का उपयोग करें, या जो रिकमेंडेड डोज हैं आपके नाइट्रोजन के, फास्फोरस के, पोटास के, उस हिसाब से आप इसका सही मात्रा में अपने खेतों में उपयोग करें, क्योंकि इसी वजह से नाइट्रोजन के ज़्यादा उपयोग की वजह से भी कीड़ो और व्याधियों का प्रकोप आपके खेत में बढ़ता है। तो आप इसको सही समय पर बोनी करें, अच्छे बीज का उपयोग करें, हाँ, सही मात्रा में रिकमेंडेड डोज में आप खादों का उपयोग करें, बीज उपचार करें, और साथ में पानी जो है आप इसमें बराबर देते रहें, वीडिंग करें। बिल्कुल संजीव जी, ये अगला सवाल ही मेरा ये था कि सिंचाई एक जो पहलू है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, इस शीत लहर में और शीत ऋतु की अगर मैं बात करना चाहूँ, ठंडों में तो बहुत जरूरी हो जाता है उसका अनुपात बरकरार रखना, उसका प्रतिशत कैसा होना चाहिए, तो सिंचाई के बारे में भी जरूर आप जानकारी दीजिए। सिंचाई आवश्यकता के हिसाब से हमको फसल को प्रोवाइड करना पड़ती है। हाँ, अभी जैसे हम आज के मौसम की बात करें तो कई जगह मावठा गिर चुका है, इंदौर विंदौर के आसपास काफी हाँ, पानी गिरा है, हाँ, हमारे भोपाल में अभी नहीं गिर पाया है, लेकिन कई जगह पानी गिर गया है तो वहाँ पे अब जरूरत नहीं है, लेकिन जहाँ पे पानी नहीं गिरा है वहाँ पे अगर आपकी वीडिंग वगैरह हो गई है, पहले से आपने बोया है, आपका टाइम पे अगर सोइंग हो गई है, तो आप पानी दे सकते हैं। और जहाँ पे अभी सोइंग लेट हुई है तो वहाँ तो पहले बो के ही फिर उसके बाद ही अपन उसको करते हैं, तो वहाँ पे अभी वीडिंग की समस्या होगी तो वहाँ वीडिंग करें। कहते हैं किसी भी रोग का प्राथमिक अगर स्तर पर उपचार हो जाता है तो रोग बढ़ नहीं पाता, ये हर जगह ये नियम लागू होता है। खेतों के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसके मुख्य बिंदु के तौर पर अगर पूछना चाहूँ तो कुछ ऐसे रोगों के नाम जो कम समझ में आते हैं और जब तक समझ में आते हैं तब तक देर हो जाती है। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं। हाँ, वैसे आपने सही बोला जी, कि
कोई भी हो, चाहे आदमी हो चाहे खेती हो, हाँ। कीड़े व्याधियां जो है वो पहले आपको इंडिकेशन तो देती हैं, बिल्कुल, और मौसम जो है उसके हिसाब से ये लोग डेवलप होते हैं, स्प्रेड होते हैं, काफ़ी मात्रा में तेजी से फैलते जाते हैं। आप भले ही अलर्ट हो, लेकिन आपका पड़ोसी अगर अलर्ट नहीं है तो वहाँ से भी कई कीड़े बीमारियों के प्रकोप आपके खेत तक आ जाते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि कोरोना भी काफ़ी तेजी से फैला है हम लोगों में, तो इससे बचने के लिए भी हमें जिस तरीके से मास्क लगाना है, बच के रहना है, इसी तरीके से हमें भी हमारे खेतों में प्लांट प्रोटेक्शन जो है उसको बराबर मात्रा में देखना पड़ता है, उसके लिए मॉनिटरिंग आवश्यक है, और समय समय पे हमको जो दवाइयां हैं, रिकमेंडेड डोज है, उनका उपयोग बराबर करते रहना है। जैसे स्मट है, रस्ट है हमारे गेहूं में, तो इनके लिए जो रिकमेंडेड डोज हैं, विटावेक्स है, वो सल्फर है, इन सब चीज़ों को हमें बराबर मात्रा में उपयोग करते रहना चाहिए। आपने अभी जो बात की ना कि पड़ोसी खेत से हमें हमारे खेत को सुरक्षित रखने की जो बात आप कह रहे थे, ऐसा ही एक सवाल इससे जुड़ा हुआ है। कई बार ये देखने को मिलता है कि समान खेती की गई है, समान तरीके अपनाए गए हैं, समान विकल्पों का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन कुछ किसान भाइयों की खेती में ज़्यादा अच्छी खेती होती है और कुछ की कम होती है, क्या इसका भी कोई कारण हो सकता है? नहीं, इसका कारण ये है कि एक तो जो कंसंट्रेशन है हमारा, वो खेती के प्रति जो नज़रिया है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना इंटरेस्ट लेते हैं खेती में। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं, ऐसे मैंने देखा है मेरे एरिया में, सोयाबीन में एक साथ सब मिला के, चाहे वो वीडीसाइड हो, पेस्टिसाइड हो, इंसेक्टिसाइड हो, एक साथ मिला के सिंपल एक ही स्प्रे करते हैं और उसके बाद केवल वो सोयाबीन काटने आते हैं। उनमें से कई लोगों को सोयाबीन में नुकसान भी होता है, और कई लोग जो अच्छे से करते हैं उन्हें फायदा भी होता है। कई फसलें ऐसे हैं, तो ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर है कि हर धंधे में, हर बिजनेस में, इवन खेती में भी ये नियम लागू होता है कि आपका इंटरेस्ट जो है वो अपने काम के प्रति कितना है। जिन लोगों का काम के प्रति मतलब लगन रहती है, काम के प्रति इंटरेस्ट, रुचि बनी रहती है, काम को वो अच्छी तरीके से अपना समझ के करते हैं, वो निश्चित रूप से अच्छा फल प्राप्त करते हैं। इसके अलावा कुछ और भी मटेरियल, जैसे खेत की मिट्टी है, भाई वो तो अलग हो सकती है, बिल्कुल स्पेसिंग, खासतौर से गेहूं में मैं आपको बताऊं कि लोग बाग क्या करते हैं कि चोकड़ी में बो देते हैं, बहुत ज़्यादा बीज बहुत कम एरिया में बो देते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो फसल हमारी पैदा होती है उसको बराबर मतलब स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ता है, सांस लेने के लिए, फैलने फूलने के लिए, डेवलप होने के लिए उसको अपने ही रिश्तेदारों भाइयों से मतलब संघर्ष करना पड़ता है, तो वो कम मात्रा में आगे बढ़ पाते हैं, ज़्यादातर नुकसान हो जाते हैं, नुकसान फिर उन किसान भाइयों को होता है कि उनको उतना फ़ायदा नहीं होता है। जो लोग सही स्पेसिंग में लगाते हैं 15 से 18 सेंटीमीटर, बराबर उनको जगह मिलती है डेवलप होने की, सांस लेने की, और उनके टेल्डिंग, फ्लावरिंग जो भी होती है वो काफ़ी अच्छी तरीके से होती है, तो निश्चित रूप से उनकी फसल बढ़ती है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जिसमें हमारे किसान गलती कर जाते हैं। भाई जब आपको एक हेक्टेयर में अगर 100 किलो बीज डालना है तो 100 किलो बीज डालें, उसको जो स्पेसिंग है उसमें डालें, ज़्यादा चोकड़ी में या ज़्यादा मात्रा में बीज गिराने से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता, बिल्कुल, बल्कि नुकसान की संभावना रहती है। तो ऐसी छोटी मोटी बातें रहती हैं, जो अच्छे किसान होते हैं वो इन बातों का ध्यान रखते हैं, सॉइल टेस्टिंग कराते हैं, सही मात्रा में रिकमेंडेड डोज जो फर्टिलाइजर के उसका उपयोग करते हैं, अच्छे बीजों का उपयोग करते हैं, सही स्पेसिंग रखते हैं, सही बीज डालते हैं पर एकड़, तो उनको इसका फायदा मिलता है। मतलब आप ये मानते हैं कि अच्छे और जानकार किसान भी कई बार बड़ी बड़ी गलतियां कर जाते हैं? हाँ हाँ, सभी कर जाते हैं, गलतियां तो मानव से होती हैं, वो लेकिन उसको सुधारा जा सकता है। आप अपने निकट में जो केवीके हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं आपके, आरईओ हैं, एडीओ हैं, एसएडीओ हैं, कृषि विभाग पूरा है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट पूरा है, कृषि विश्वविद्यालय है, कोई भी डाउट है तो आजकल तो मोबाइल है आपके पास, आप कई तरीके से लोगों से पूछ सकते हैं, अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं और गलती से बच भी सकते हैं। कई जगह आप डिस्कस कर सकते हैं, आपको सभी सरकारी तौर पे और प्राइवेट तौर पे, निजी तौर पे, मैंने एक बात देखी है खेती किसानी में, कोई किसी को झूठ नहीं बताता, जो उसको पता है वो ज़्यादातर अच्छे ही बताता है। हमारे गांव में भी कई अच्छे किसान होते हैं, जो पटेल होते हैं या बड़े बुजुर्ग होते हैं, काफ़ी अच्छी सलाह देते हैं, नेक सलाह देते हैं, फायदे किसान को होता है, बशर्ते कि आप वहाँ तक पहुँचे। तभी तो किसान भाइयों के नज़रिए से ये बात कही जाती है कि दुनिया अच्छे लोगों की वजह से ही चल रही है। जी, और कुछ अगर खास बातें ऐसी हैं जो समय अब कम बचा हुआ है और आप जाते जाते बताना चाहें? नहीं क्रांति जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा जी कि ये जो हमारे किसान भाई हैं, ये किसानी जो हमारी है बहुत फायदा देने वाला मतलब एक कारोबार है,
इसमें थोड़ा इंटरेस्ट और रुचि के साथ अगर हम करते हैं तो ये बहुत जबरदस्त फायदा देता है। हाँ। और छोटी छोटी बातें जो हैं इनको हम अगर नज़रअंदाज ना करें और इनका ध्यान रखें तो खेती बहुत लाभकारी धंधा हो सकती है। बाकी सारे संसाधन इनके पास मौजूद हैं, सारे लोग मौजूद हैं। हाँ। तो ज़रूरत है कि इन सभी का ये भरपूर फायदा लें और अपनी खेती को अच्छी तरीके से करें तो देश के लिए कुछ भी ऐसी फायदा। वेबसाइट या कुछ ऐसा फोन नंबर मैं चाहूंगी कि अगर आप दर्शकों को बताना चाहें कि अगर आपके नजदीक में जो किसान भाई इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे उनको हम बता दें कि आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, इस वेबसाइट पर जाकर। अब तो वो तकनीकी रूप से भी समृद्ध हो गए, ये बहुत ही मुझे लगता है कि तारीफ करनी चाहिए किसान भाइयों की कि अब वो भी तकनीकी रूप से इतने समृद्ध हो रहे हैं, कदम से कदम मिलाकर चलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए इसमें के बहुत सारे मतलब BPO आजकल खुल गए हैं हमारे। हाँ। भोपाल में भी, इंदौर में भी हैं। हाँ। और ये किसान भाइयों को सेवाएं दे रहे हैं, मोबाइल पे भी दे रहे हैं। किसी एक का नाम या नंबर दे देना तो यहाँ बैठ के मैं उचित नहीं समझता हूँ। इसके अलावा ये तो प्राइवेट हैं ही, निजी क्षेत्र हाँ। के। हाँ। गवर्नमेंट ने भी काफ़ी मतलब ऐसे केंद्र खुले हुए हैं जहाँ किसान हाँ। अपनी समस्याओं को रख करके और उनसे बात कर सकते हैं, हाँ। सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। और सबसे खास बात है कि आपके क्षेत्र के जो RAEO हैं, कृषि विस्तार अधिकारी, हाँ वो आपके बिल्कुल घर जैसे संबंध रखते हैं और उनके तो दिन हाँ भी निश्चित रहते हैं हर गांव और पंचायत में जाने के। आप हम्म। यदि उनके भी टच में रहते हैं तो वो भी काफ़ी आपकी मदद कर सकते हैं। आपके क्षेत्र के और ADO हैं, SADO हैं, सभी डिपार्टमेंट में हैं, ये सब आपकी मदद करने के लिए हैं, आपको सही सलाह देने के लिए हैं, आपको सही मतलब दिशा निर्देश देने के लिए हैं। तो आप सभी के फ़ायदे उठा सकते हैं, बिल्कुल सही चाहे बात निजी की। क्षेत्र के BPO हों, हमारे हाँ यहाँ काफ़ी हैं आजकल, और जी कॉल सेंटर्स भी हैं जो बराबर कॉल करके आप लोगों को समय समय पर सूचना दे रहे हैं। आप सभी का फायदा उठा सकते हैं, बिल्कुल, हर समस्या का समाधान अब आपको मिल सकता है, मिल सकता बशर्ते है आप पहल करें, पहल आप करें उन तक थोड़ा सा आप अपनी अपनी बात तरफ से। पहुंचाएं। जी जी आगे बढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में आने के लिए, तमाम जानकारियां देने के लिए। दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए थे संजीव प्रकाश श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव बहुत जी। बहुत शुक्रिया जी। और इसी के साथ दर्शकों ये जरूर बोलना चाहेंगे कि भारत सरकार की तरफ से पिछले कुछ समय में किसानों को खेती किसानी के बारे में सही जानकारी मुहैया कराने के लिए तमाम तरह के ऐप लॉन्च किए गए हैं, जैसे पूसा कृषि ऐप, किसान सुविधा ऐप, सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम ऐप वगैरह वगैरह। इन ऐप का उद्देश्य किसानों को ऐसी जानकारियां मुहैया कराना है जिससे वे अपनी खेती को बेहतर करने के साथ साथ अच्छा मुनाफा हासिल कर सकें। अपने नज़दीकी कृषि अधिकारियों से संपर्क करें, इन ऐप की जानकारी जुटाएं और खलिहानों को समृद्ध बनाएं। और जाते जाते एक बार ज़रूर कहना चाहूँगी कि इंडिया कितना भी डिजिटल हो जाए, रोटी गूगल से डाउनलोड नहीं होगी, वो तो किसान की मेहनत से ही मिलेगी। हम सब की तरफ से किसान भाइयों का धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर नए विषय और विशेषज्ञ के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।